हेलो स्टूडेंट्स, सभी एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं दोपहर के एक, और जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक दोपहर के एक बजे होती है हमारी कंप्यूटर की क्लास, जिसमें हम करते हैं MCQ क्वेश्चंस। पर आज की क्लास रहने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगी फुल फॉर्म। जितनी भी फुल फॉर्म है, 100 से 150 के करीब फुल फॉर्म आज के सेशन में करेंगे, और यकीन मानना इस क्लास के अंदर याद हो जाएंगे अगर आप चीजों को करोगे तो। सारे फुल फॉर्म मैं यहां पर लिखूंगी, आपसे पूछूंगी, कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको आती होंगी, आप बताओगे, ठीक है? क्योंकि चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, फुल फॉर्म तो पूछता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होंगी उन सभी को हम लोग देखेंगे। अभी कल NTPC का एग्जाम हुआ, उसमें भी कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछी गई है ना। तो GUI की फुल फॉर्म पूछी थी, बताओ जरा GUI की फुल फॉर्म होती क्या है, ठीक है? तो फुल फॉर्म आज के हम सेशन में करने वाले हैं। पर जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर आप कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो examport.com हमारी वेबसाइट है, जिसमें आपको फ्री में मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं। कौनो पैसा नहीं के लागत, ठीक है? कोई पैसा नहीं लगने वाला आपका। यहां पर आप फ्री में मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये मान के चलो मिनिमम 50 मॉक टेस्ट तो सभी में, 50 से 150 तक के मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे करने के लिए। हर एक दिन हर एक मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो आराम से, और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। साथ ही में अगर आप चाहती हैं मैम PDF मिल जाए करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर की PDF भी आपको यहां से मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हो आप। टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के PDF को देख सकते हैं, किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चंस देखे गए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्री क्विज, किसी भी सब्जेक्ट की क्विज, आपको लगता है रीजनिंग में आप कमजोर हो, रीजनिंग की क्विज लगाओ, मैथ्स में कमजोर हो मैथ्स की लगाओ, साइंस में कमजोर हो साइंस की हो जाएगी, GK GS, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर सब क्विज। और अगर आप हमारे साथ एप्लीकेशन पे जुड़कर तैयारी को थियोरेटिकल तरीके से समझना चाहते हैं, तो मशाल बैच आपके लिए यहां पर अवेलेबल है। तो मशाल बैच के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। ये 1499 इसकी फीस है, 2 साल की वैलिडिटी है, आराम से इस कोर्स में आप चीजों को पढ़ सकते हैं। लाइव क्लास मिलेगी, जूम सेशन मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें आपको इसमें दी जा रही है ना। चल शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फुल फॉर्म के बारे में, तो क्या क्या फुल फॉर्म पूछी जाती है। देखो, जो भी चीजें नॉर्मल होती है जनरली फॉर्म में, वहीं से फुल फॉर्म आप लोगों की एग्जाम के अंदर पूछी जाती है ना। तो मैं यहां पर लिखना स्टार्ट करके आप लोगों को बताना होगा। नोटिफिकेशन नहीं आता है क्लास का, तो आप लोगों को पता है क्लास दोपहर 1 बजे शुरू हो जाती है, नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप लोगों को तो आना ही है ना, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर वाइज हम लोग चीजों को करते हुए चलेंगे, फुल फॉर्म को भी चैप्टर 1 लेकर चलो। यहां चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन सी फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर की बात करते हैं। मुझे बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होगी, करिए जरा फटाफट से। कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताओ जरा एक बार फटाफट से क्या हो सकती है। ऑप्शन नहीं मिलेंगे इसलिए तुक्के वाले तो दूर रहेंगे भाई, ठीक है? अब आपको बताना है जनरली आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होगी, बताओ। तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये फुल फॉर्म हो जाती है अगर हम बात करते हैं यहां पर कंप्यूटर की। तो इसके बाद और फंडामेंटल में से आता है ENIAC के बारे में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC, बिजली से चलने वाला पहला कंप्यूटर।
पहला कंप्यूटर जो पूरी तरीके से बिजली पर ही काम करता था। दिख रही है सारी चीजें, क्लियर है? शॉर्टकट कीज भी बताई जाए। चलो शॉर्टकट कीज को भी देख लेंगे, ठीक है। चलो बताओ जरा एनईए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। बहुत पढ़ी है आप लोगों ने एनईए के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिकल या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कहां पर कंप्यूटर आता है, कहां पर कैलकुलेटर आता है, ये जानना जरूरी है। और ये सारी फुल फॉर्म है। मेरे को एक बात बताओ कि किसके द्वारा इस एनईए कंप्यूटर को बनाया गया था, एनईए कंप्यूटर को किसके द्वारा बनाया गया था, बताना जरा। एनईए कंप्यूटर को किसके द्वारा बनाया गया था, बताओ पहले फटाफट से एक बार। चलिए, एनईए कंप्यूटर को किसके द्वारा बनाया गया था, बताओ एक बार पहले फटाफट से। जे पर्सपर एकर्ड और जॉन मॉकलिन दोनों के द्वारा एनईए कंप्यूटर को बनाया गया था, याद रखना। जे पर्सपर एकर्ड, अब दिख रहा है भाई बोर्ड पर सारी चीजें। चलो, जे पर्सपर एकर्ड और जॉन मॉकलिन इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा आपका एनईए कंप्यूटर बनाया गया था। इसके बाद पूछता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडवेक। इसी के साथ पूछ सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडसेक। यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या होती है, करिए जरा। हाँ, जे पर्सपर एकर्ड और जॉन मॉकलिन दोनों के द्वारा इसको बनाया गया था। चलो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बताइए जरा फटाफट से एडवेक एडसेक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, लिखना यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये फुल फॉर्म होती है अगर हम बात करते हैं एडवेक की। और एडसेक की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एडसेक के अंदर कैलकुलेटर आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यहां कैलकुलेटर आएगा। यूनिवेक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये फुल फॉर्म होती है अगर हम बात करते हैं यूनिवेक की। और बताओ सीडेक की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडेक। तो सीडेक पुणे में स्थित, बोल सकते हो, सुपर कंप्यूटर डिजाइन करने के लिए बनाया गया पूरा बड़ा संस्था है जिसने अभी एनएसएम को लॉन्च किया। अच्छा, एनएसएम क्या है उसके बारे में भी देखेंगे पहले। सीडेक की बात कर लेते हैं, तो सीडेक की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग। फुल फॉर्म हो जाती है सीडेक की। कहां पर स्थित है, पुणे में स्थित है। इसने क्या बनाया था, हमारा पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, इसी के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। और बताते हैं, देखो मैं आपको बता रही थी कि एनएसएम के बारे में चीजें बता रही थी, थोड़ा करंट से रिलेटेड भी चीजों को देखते हुए चलेंगे। तो एनएसएम क्या है, तो एनएसएम एक मिशन है, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन। सुपर कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए एनएसएम को 2015 में बनाया गया, ताकि भारत में सुपर कंप्यूटर को बढ़ावा मिल सके, सुपर कंप्यूटर बने। परम शिवा
पहला सुपर कंप्यूटर था जो इस मिशन के तहत बनाया गया। एनएसएम को सीडेक जो कि पुणे में है और आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भारतीय विज्ञान संस्था जो कि बेंगलुरु में है के द्वारा स्थापित किया गया है। और जो परम गंगा कंप्यूटर है, ये भी सुपर कंप्यूटर है, परम गंगा सुपर कंप्यूटर इसी मिशन के तहत सीडेक के द्वारा डिजाइन करके आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। चलो, ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, परम गंगा के बारे में। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन क्यों बनाया गया, भारत में सुपर कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए। तो लिख लेना, भारत में सुपर कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए एनएसएम को लॉन्च किया गया था। किसने किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब मैंने आपको यहां पर बता दिया। आगे चलो, और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, मतलब फंडामेंटल से और कौन कौन से फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। हाँ, आईआईटी रुड़की याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद यहां पर पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआईपीएस, एमआईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, पूछा जा सकता है। फ्लॉप की फुल फॉर्म क्या होती है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है ना जो फ्लॉप में मापी जाती है, पूछा जा सकता है। बीआईटी क्या होता है, पूछा जा सकता है। फिर तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर ही। केबी किसको कहते हैं, केबी की फुल फॉर्म हो गई, एमबी की फुल फॉर्म हो गई, जीबी की फुल फॉर्म हो गई, टीबी की फुल फॉर्म हो गई। तो ये तो आप बता दोगे, ये आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है ना। चलो फटाफट से एक बार नजर डाल लेते हैं इन सारी फुल फॉर्म पर भी। एमआईपीएस की फुल फॉर्म होती है मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एक सेकेंड में मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने अनुदेशों को किया जा सकता है, एक सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शंस पास किए जा सकते हैं, ठीक है। आगे फ्लॉप की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मापने का यूनिट है फ्लॉप्स, और आजकल के सुपर कंप्यूटर पेटा फ्लॉप की स्पीड में काम करते हैं। बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको गॉटराइड लेवनेज नाम के व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था। केबी की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट, फोटोज वगैरह इस यूनिट में आती है। एमबी की फुल फॉर्म होती है मेगाबाइट, छोटी छोटी वीडियोस इसमें आती हैं। जीबी की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट, बड़ी बड़ी मूवीज इसमें आती हैं। टीबी की फुल फॉर्म होती है टेराबाइट, हार्ड डिस्क की स्टोरेज टेराबाइट में आती है। पीबी की फुल फॉर्म होती है पेटाबाइट, 1024 टेराबाइट का पेटाबाइट। इसी प्रकार से फिर आगे बढ़ता जाएगा, एक्साबाइट, जेटाबाइट, और लास्ट में सबसे बड़ी यूनिट योटाबाइट। अच्छा, बहुत जगह बुक्स में जियोप लिखा हुआ है, बट वो अभी इमेजिनरी है, काम इसी पर चल रहा है। तो ये तो हो गई फंडामेंटल से रिलेटेड आप लोगों की फुल फॉर्म। आगे हम बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कौन कौन सी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो याद हो आपको बता दिया करो भाई, पूरा रिविजन हो जाएगा एक तरीके से आपका आज पूरे कंप्यूटर का अच्छे से। हाँ बिल्कुल ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बताओ कौन कौन सी फुल फॉर्म आपने कभी सुनी थी। अरे पढ़ लो, बात मत किया करो आपस में, पढ़ो जरा फटाफट से, ठीक है। तो यहां पर देखो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्या हो जाएगी। पहले हम इनपुट आउटपुट डिवाइस पर चलते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस में क्या क्या चीजें पूछ सकता है आपसे।
आपसे पूछ सकता है यहाँ पर कीबोर्ड में फंक्शन की के बारे में तो नहीं पूछेगा, और दूसरा हो गया माउस के बारे में नहीं। अच्छा यहां से लेते हैं, इनपुट ले लो पहले। इनपुट में ले लेना MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, OCR की फुल फॉर्म क्या होती है, OMR की फुल फॉर्म क्या होती है, BCR की फुल फॉर्म क्या होती है, और कौन कौन सी आ जाएंगी फुल फॉर्म इसके अंदर। फिर ले लेना BCR हो गया, इसके बाद लेना CRT की फुल फॉर्म क्या होती है, LCD की फुल फॉर्म क्या होती है, LED की फुल फॉर्म क्या होती है, OLED की फुल फॉर्म क्या होती है, और AMOLED की फुल फॉर्म क्या होती है, RPM की फुल फॉर्म क्या होती है, CPM की फुल फॉर्म क्या होती है, और क्या क्या आता है इसके अंदर। अभी पहले इसको कर लेते हैं, फिर आगे की चीजों को और देखेंगे। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बैंक के चेक पे जो नीचे 9 डिजिट के नंबर होते हैं उनको चुंबकीय इंक से लिखा जाता है, और उसको पढ़ने के लिए बैंकों में MICR नाम की मशीन होती है। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अक्षरों को पढ़कर आपके मोबाइल के अंदर ट्रांसफर करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका इस्तेमाल किया जाता है, रीडर या रिकॉग्नाइजेशन पहचानना। OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। हम जो OMR शीट भरते हैं ऑफलाइन एग्जाम देते समय तो उसकी जांच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उत्तर पुस्तिका की जांच करना। BCR की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। किसी भी प्रोडक्ट के पीछे पतली मोटी पतली ब्लैक कलर की लाइनें होती है वही बार कोड कहलाती है, उसको पढ़ने के लिए बार कोड रीडर का इस्तेमाल करते हैं। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। खाते पीते घर के मॉनिटर, उनके अंदर कैथोड रे ट्यूब लगी हुई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दो पर्दों के बीच में लिक्विड भरा होता है, ये वही है जो सफेद रोशनी को अलग अलग रंगों में डिस्पर्स करता है। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड्स। ओएलईडी की होती है ऑर्गेनिक, बाकी सब सेम रहने वाला है, लाइट एमिटिंग डायोड्स। एमोल्ड की होती है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक और लाइट एमिटिंग डायोड्स। क्लियर है। आरपीएम की फुल फॉर्म होती है रोटेशन पर मिनट। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब हार्ड डिस्क या सीडी, मेनली तो हार्ड डिस्क जब लगाई जाती है तो कितनी जल्दी जल्दी रोटेट करके वो डेटा को पढ़ या लिख पाता है, तो 3600 रोटेशन पर मिनट बोला जाता है। 3600 रोटेशन पर मिनट आरपीएम होती है हार्ड डिस्क की, इसको भी लिख लेना अलग से। आगे चलते हैं। सीपीएम की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर पर मिनट। ये प्रिंटर के लिए इस्तेमाल होता है कि एक मिनट में कितने अक्षर कैरेक्टर प्रिंटर के द्वारा छापे जा सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी डीपीआई। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म। इसके बाद आता है लेजर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आता है सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचडीडी और एसएसडी और एफडीडी। और बताओ अगर कुछ माइंड में आ रहा है तो। डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। एक इंच में कितने डॉट है भाई, पूरा रिजोल्यूशन क्या है स्क्रीन का, कितने बिंदु है, तो टोटल रिजोल्यूशन बताने के लिए डीपीआई यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। जितना ज्यादा रिजोल्यूशन उतनी ज्यादा क्लियरिटी। लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन
किसका इस्तेमाल किया जाता है जब सीडी के अंदर डेटा को भरते हैं। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, 700 एमबी तक का डेटा अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है, मतलब एक मूवी लगभग। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क, वैसे वर्सेटाइल ही लिखना, बट वर्सेटाइल अगर ऑप्शन में नहीं मिलता तो वीडियो। डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क फुल फॉर्म होती है इसकी, वर्सेटाइल पहली प्राथमिकता। बीआरडी की फुल फॉर्म होती है ब्लू रे डिस्क, एचडी मूवीज, हाई डेफिनेशन वाली मूवीज, बिल्कुल छकाचक क्लियरिटी जिसकी आती है 1080। तो ब्लू रे डिस्क एचडी मतलब एचडी वगैरह मूवीज या गेम्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव क्यों धीरे धीरे काम करता है, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं इसलिए ये धीरे काम करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसएसडी की, तो ये सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, ये ज्यादा तेजी से काम करती है क्योंकि इसके अंदर कोई मेमोरी ब्लॉक ही नहीं है। ऐसे समझो, आपको मम्मी ने सामान दिया और बोला जाओ इसको रसोई में लगाया। अब एक तो ऐसी रसोई है जिसके अंदर भाई बता रखा है मसाले इधर रखोगे, दाल इधर रखोगे, चावल इधर रखोगे, तो मम्मी ने सामान दिया तो पहले आप सामान को निकालोगे, फिर जहां मसाले रखने उधर मसाले, जहां चावल उधर चावल, जहां दाल है उधर दाल। ये तो हार्ड डिस्क हो गई, ब्लॉक्स है सबके लिए, तो वहां पर सामान को लगाने में भी समय लगता है और ढूंढने में भी लगेगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूं एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव का, तो कोई मेमोरी ब्लॉक नहीं होता, फटाफट से आप सामान, ऐसी रसोई जहां पर कुछ भी रख दो सामने सारी चीज फैली हुई रहती है। मम्मी ने बोला जाके रसोई में सामान रख दो, आप गए, एक ऐसी रसोई है जहां पर जहां मन करे वहां पर रख दो सामान, लेकिन वो भी अरेंजिंग ऑर्डर में होता है, पहले नंबर पे सामान रखा, दूसरे पे, तीसरे पे, तो वहां से चीजों को निकालना भी आसान और डालना भी आसान, इसलिए ये ज्यादा तेज काम करती है अगर मैं इसका कंपैरिजन हार्ड डिस्क ड्राइव से करूं तो। एफडीडी की फुल फॉर्म होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क के लिए बनाई गई ड्राइव, जो मोस्ट प्रोबेबली ड्राइव ए और ड्राइव बी थी। ड्राइव सी हार्ड डिस्क के लिए इस्तेमाल होती है। और कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी बताओ जरा, कुछ है तो। रिकॉर्डेड है क्लास, जिसको रिकॉर्डेड लग रही है पढ़ लो भैया, पढ़ लो, हाँ रिकॉर्डेड है या नहीं है वो बाद में आप डिसाइड कर लेना, पहले पढ़ लो, रिकॉर्डेड ही है क्लास, मेरे को पता था आप इस टाइम पर कुछ बोलोगे इसलिए मैंने बोला। हाँ बिल्कुल सही है, आगे बताओ और कुछ आपके माइंड में आ रहा हो तो। 1.44 MB, वेरी गुड, फ्लॉपी डिस्क की मेमोरी होती है, ठीक है आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपकी FDD, ये इंपॉर्टेंट चीजें अभी आपको पता नहीं चल रही, चलो पता चलेंगी कभी। फिर आते हैं WORM, वॉर्म की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ जरा। तो वॉर्म की फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, केवल बार जाएगा डेटा लेकिन आप उसको पढ़ कई बार सकते हो। तो ये तो हो गई आपकी हार्ड, अगर बात करती हूँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की। फिर हम बात करते हैं मेमोरी से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म के बारे में, मेमोरी से संबंधित कुछ फुल फॉर्म के बारे में। इसमें आ जाता है आपका रैम, रैम के अंदर आ जाता है आपका एस रैम, इसी के अंदर आ जाता है आपका डी रैम, इसी के अंदर आ जाता है आपका रोम, रोम में आ जाता है आपका पी रोम, फिर आ जाता है आपका ईपी रोम, सारी फुल फॉर्म एक साथ आपको मिल जाएंगी, फिर आ जाता है आपका डबल ईपी रोम, इसके बाद आ जाता है आपका रोम हो गया पी रोम एस, ठीक है ठीक है। यहां पे हमारा एक पॉइंट छूट गया, चलो मैं उसको एडजस्ट करने की कोशिश करती हूं। यहां पे लिखो एस डी रैम, फिर लिखो आप रोम, और उसके बाद लिखो पी रोम, कवर हो गया, ओके, डबल ईपी रोम आ गया। फिर यहां पर लिखोगे आप बायोस, फिर इसको लिखो पोस्ट, ये आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा साथ के साथ। फिर लिखोगे आप सीमोस, बीपीएस। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो मेमोरी जिसका इस्तेमाल किया जाता है वर्तमान के कार्य को करने के लिए। एसडी रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक फिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम, डी से मतलब होता है डायनामिक, जिसमें चेंजेस हो सकते हैं, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एसडी रैम की फुल फॉर्म होती है सिंक्रोनस, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो डी रैम पर नजर रखती है उसका काम सही चल रहा है नहीं। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, वो मेमोरी जिसके अंदर डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है या स्टोर करके रख सकते हैं। पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर का डेटा आप डिलीट नहीं कर सकते। वो एप्लीकेशन जो पहले से फीड होके आती है जिसको आप कभी डिलीट नहीं कर सकते, ना ही मोबाइल फोन में से ना ही अपने स्टोरेज में से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ईपी रोम की फुल फॉर्म हो जाती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर के डेटा को डिलीट करने के लिए अल्ट्रा वायलेट किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। पैरा बैंगनी किरणों का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर के डेटा को डिलीट करने के लिए। डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके अंदर के डेटा को आप बिजली से डिलीट कर सकते हो। तो आजकल जो हमारे पास मोबाइल फोन के अंदर टेक्नोलॉजी लगी हुई है वो डबल ईपी रोम की है। जब तक मेरे फोन में बिजली है, मतलब करंट है, बैटरी है, तब तक मैं इसके अंदर के किसी भी डेटा को डिलीट कर सकती हूँ और जाहिर सी बात है सेव भी कर सकती हूँ, डाउनलोड भी कर सकती हूँ। बायोस की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बूटिंग की प्रक्रिया करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसको इंस्टॉल करते हो। पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो बायोस चिप जब अपना काम शुरू कर देती है तो वो एक टेस्ट करती है, परीक्षण करती है कि उसके अंदर जो चीजें हैं वो सही से चल रही है नहीं चल रही है, उसको क्या कहा जाता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सीमोस की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। इसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में डेट और टाइम दोनों को बताने के लिए। बीपीएस की फुल फॉर्म होती है बिट पर सेकंड। कितने टाइम में डेटा एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है ये बिट पर सेकंड के द्वारा ही बताया जाता है। बिट की फुल फॉर्म क्या होती है? बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। गॉटफ्राइड लेबनिस के द्वारा इसको बनाया गया था। चलिए आगे, चलो अच्छा, इसके अंदर एक और चीज देखना। एक आता है आपका आईसी। आईसी के अंदर बहुत चीजें आ जाएंगी। आईसी के अंदर ही आ जाता है आपका एसएसआईसी, इसी के अंदर आ जाता है आपका एमएसआईसी, इसी के अंदर आ जाता है आपका वीएलएसआई, और इसी के अंदर आपका आ जाता है यूएलएसआई। इसी के साथ देख लेना एआई। ठीक है, चलो। तो आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका आविष्कार हुआ था कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन के अंदर। तीसरी जनरेशन के अंदर ये तीनों चीजें आई थी, थर्ड जनरेशन में। एसएसआईसी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। एमएसआई की फुल फॉर्म होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल ये आई थी कंप्यूटर की चौथी जनरेशन में। फुल फॉर्म होती है इसकी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। किसके द्वारा बनाई गई थी? रॉबर्ट नॉय और जैक किल्बी, दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसका निर्माण किया था। आगे वीएलएसआई आई थी कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन के अंदर, दोनों चीजें। यूएलएसआई की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल। देखो एक फुल फॉर्म से कितनी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, इंटीग्रेटेड सर्किट। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमता। हिंदी में कहते हैं इसको कृत्रिम बुद्धिमता। हूबहू इंसान की तरह काम करने के लिए बनाया गया प्रोग्राम। इसके प्रोग्राम से बनाई गई पहली रोबोट कौन सी थी? सोफिया, सुना होगा आपने। फिर तो बहुत सारी खैर बनने लग गई। क्लियर है?
मेमोरी की हम बात कर रहे थे, मेमोरी में बताओ अगर कोई सा रुक गया है तो। अल्ट्रा लार्ज स्केल, बिल्कुल करेक्ट है, अल्ट्रा लार्ज स्केल का इस्तेमाल किया गया। और बताइए अगर कोई है आपके माइंड में आ रही है चीजें, चले आगे। अच्छा, मेमोरी में एक आती है फुल फॉर्म आस्काई की और एक फुल फॉर्म आती है ईबीसीडीआईसी की। आस्काई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कोड बनाए जाते हैं ताकि आपके कीबोर्ड पर जितने भी अक्षर हैं उन सभी को कंप्यूटर समझ सके। आस्काई 7 बिट का कोड भी होता है और 8 बिट का कोड भी होता है। ईबीसीडीआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, लिखना है यहां पर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और ये कितने बिट की जगह घेरता है मेमोरी में तो ये केवल 8 बिट का कोड है, अमेरिका के द्वारा ही बनाया गया। क्लियर है, आगे चले। हाँ, 8 बिट का कोड होता है केवल। इसके बाद देखो आती है इंपॉर्टेंट चीज आपकी, इंटरनेट या नेटवर्किंग से जुड़े हुए फुल फॉर्म। जो फुल फॉर्म इंटरनेट या फिर नेटवर्किंग से रिलेटेड होती है, अब कौन कौन सी फुल फॉर्म आएंगी इससे संबंधित, तो सबसे पहले नेटवर्किंग की बात कर लेते हैं हम। तो लैन हो गया, मैन हो गया, वैन, पैन और कैन, साथ ही में वाईफाई और वाईमैक्स। वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस, हाँ जी ठीक है। इसके बाद एक और कौन का कौन कौन सा आ जाएगा, वाईमैक्स हो गया, लाईफाई हो गया, लाईफाई करो। इसके बाद नेटवर्क के अंदर देखेंगे तो मॉडम आ जाएगा, मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है। इसी के साथ नेटवर्क के अंदर आप देखोगे तो कौन कौन सी फुल फॉर्म और पूछी जा सकती है भाई इसके अलावा। नेटवर्क के अंदर पूछा जा सकता है वीपीएन के बारे में, इंटरनेट ले लो, आर्पानेट के बारे में पूछा जा सकता है, टीसीपी के बारे में पूछ लेगा, प्रोटोकॉल आ जाएंगे ना सारी, आईपी के बारे में पूछ लेगा और एचटीटीपी के बारे में पूछ लेगा और एफटीपी के बारे में आ सकती है फुल फॉर्म। और कौन कौन सी फुल फॉर्म हो जाएंगी भाई, एचटीटीपी हो गई, एफटीपी हो गई, एसएमटीपी के बारे में पूछ सकता है, पीओपी के बारे में पूछ सकता है, आईमैप के बारे में पूछ सकता है, और कौन सी प्रोटोकॉल बची, आईसीएमपी के बारे में पूछ सकता है, डीएचसीपी के बारे में पूछ सकता है, और कौन सा बच गया, डीएनएस के बारे में पूछ सकता है। और इंटरनेट से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें बचेंगी बताओ, आपके माइंड में अगर कोई चीज आती है तो आप बता दिया करो, ठीक है। और किस किस चीज के बारे में पूछ सकता है आपसे, चलो और देखते हैं। www के बारे में पूछ सकता है भाई, html, ये भाषाओं में लिखवाऊंगी, html रुक जाओ। अब कितनी चीजें लिख ली हमने, पहले हम इसके बारे में फुल फॉर्म देख लेते हैं। देखो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, वो नेटवर्क जो 1 से 10 किलोमीटर के बीच तक लगाया जाए वो लोकल एरिया नेटवर्क में आता है, 1 से 5 किलोमीटर सॉरी 2.5 किलोमीटर में अच्छी स्पीड और अच्छी मतलब स्टैंडर्ड जो दूरी है वो 2.5 किलोमीटर। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाला नेटवर्क मैन आता है। वाइड एरिया नेटवर्क पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने वाला नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, 1 मीटर से 10 मीटर तक के दायरे में फैला नेटवर्क, 1 मीटर से 10 मीटर तक के दायरे में फैला हुआ नेटवर्क। क्लियर है, आगे
कैन की फुल फॉर्म है कैंपस एरिया नेटवर्क, स्कूल कॉलेजेस में या केवल कैंपस में बोलना, केवल कैंपस जहां पर देखिए क्वेश्चन में वही आंसर करना है, हर जगह मत करके आना, कैंपस एरिया नेटवर्क। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, और वाईमैक्स की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस। कम जगह फैलाना है नेटवर्क को तो वाईफाई, ज्यादा जगह फैलाना है तो वाईमैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लाईफाई की फुल फॉर्म होती है लाइट फिडेलिटी जाता है। वीपीएन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, अगर छुपाकर चीजें देखना चाहते हो तो आईपी एड्रेस डालकर लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का भी इस्तेमाल करते हैं। आर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये नेटवर्क बनाया गया था अमेरिका के लोगों के द्वारा अपनी आर्मी के लिए, आगे इसको इंटरनेट बनाकर पूरी दुनिया में भेज दिया। इसके अंदर जोड़ी गई टीसीपी को, जिसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो बड़े डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर फिर आप डेटा को डाउनलोड कर सकते हो या भेज सकते हो सामने। बफरिंग हो रही है। एक मिनट, बफरिंग हो रही है क्या भैया? मैंने तो स्टार्ट भी कर दिया, या कैसे बोल रहे हो आप? बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए, मैंने तो बहुत चीजें पढ़ा दी। क्लास चल रही है सही से? एनटीएफएस, वेरी गुड, क्या बात है पूजा, बहुत अच्छी बात है। और बताओ, अभी मैं पूछूंगी लास्ट में, पहले मैं बता रही हूँ पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, शतानो। चलो अभी मैं पूछूंगी आप लोगों से, पहले मैं जितना बता रही हूँ एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। बीच में हुई थी बफरिंग, अब तो सही है। चलो, आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो आपके मैसेज को सही समय सही जगह भेजती है। कभी भी आप इंटरनेट पर कॉल या मैसेज करोगे रॉन्ग नंबर नहीं लगता है ना। आपने फोन मिलाया हो घर पे मम्मी को, फोन मिल गया हो कहीं और ही जाके नागालैंड वगैरह में, या फोन मिल गया हो आपका श्रीलंका में, बहुत बुरी हालत हो रखी है, देखिए आपने न्यूज, ठीक है, श्रीलंका में जैसे ही राजापक्षे जी ने मतलब छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, वैसे उनकी पार्टी के जितने नेता हैं बहुत बुरी हालत कर रखी है जनता ने, लोगों ने, ठीक है, घर जला दिए, गाड़ियां फेंक दी, तो बहुत बुरी हालत हो रखी है श्रीलंका की। चलो फिर आते हैं एचटीटीपी पे। एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? तो जब आप www से, ये ट्रांसफर लग रहा है नहीं लग रहा है बता दो मुझे, मैं फिर जल्द दोबारा से लिख दूं इसे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, www से सारी सूचनाएं आपके सिस्टम तक पहुंचाना। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी भी प्रकार से अगर आप फाइल को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका इस्तेमाल किया जाता है ईमेल को जब सेंड करते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक मेल को सेंड करते हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। का इस्तेमाल किया जाता है जब आप ईमेल को रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। IMAP का इस्तेमाल किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? दो है IMAP, एक तो मैसेज के लिए इस्तेमाल होता है और एक वही है आपका इमीडिएट पेमेंट एक्सेस। अगर मैं इसमें बात करती हूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अगर मैं यहां पर आपको करवाती ना वो MCQ, तो आप में से बहुत बच्चे आंसर भी कर देते और बहुत बच्चे आ भी जाते, लेकिन MCQ फिर मैं इतने सारी फुल फॉर्म में क्लास में नहीं करवा सकती थी, बहुत टाइम लग जाता उसके अंदर। तो ये वन लाइनर जो होते हैं ना, सबसे बेस्ट होते हैं, ये उनके लिए बेस्ट नहीं जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जो जय माता दी नहीं करते हैं। जय माता दी का मतलब होता है तुक्के नहीं मारते हैं, या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो यहां पर आया तो यही आंसर होगा, ऐसे नहीं करना है।
आईसीएमपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर जैसे फ्लो में मैसेज आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल। ओटीपी होता है ना, वन टाइम पासवर्ड, तो उसके लिए टाइम होता है कि भाई केवल और केवल मैम आप ही रीजनिंग पढ़ाती है क्या? सोनू कुमार नहीं, वो मेरी बहन है जो रीजनिंग पढ़ाती है। हम दो बहनें, मैं कंप्यूटर पढ़ाती हूँ, वो रीजनिंग पढ़ाती है। चलो, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जैसे ओटीपी आता है ना वन टाइम पासवर्ड, तो उसके लिए टाइम होता है कि भाई 15 सेकंड में डालो, तो उस टाइम पर ही आपको मैसेज आ जाएगा। तो वो कंट्रोलिंग पावर के अंदर होता है, किसी भी प्रकार के मैसेज को कंट्रोल करने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। डीएचसीपी की फुल फॉर्म होती है डायनामिक होस्ट कॉन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो डायनामिक होस्ट कॉन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है अगर आप किसी भी आईपी एड्रेस को उसका नाम दे देते हो ना, कोई भी आईपी एड्रेस लिया, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, अगर आप उसको एक डोमेन नेम देते हो, तो ये काम होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल का। आगे डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम या सर्वर। हालांकि डोमेन नेम सिस्टम आता है, लेकिन अगर सिस्टम ना दे तो सर्वर लगाना, दोनों आ जाए तो सिस्टम करके आना। WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद ही बच्चे ने भी बोला मैम फैट, फैट भी होता है और NTFS भी होता है, दोनों फाइल को एलोकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फैट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ये वो मोटापा नहीं होता है, फैट होता है फाइल एलोकेशन टेबल। अरे भाई मैं ही पढ़ाती हूँ, आपको आवाज से नहीं लगता है? मतलब मेरे में और जो रीजनिंग पढ़ाती हूँ उनमें कोई अंतर दिखता है आपको? फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है, एक टेबल जिसके अंदर, अब हमें क्या, हम तो सोचते हैं कि भाई हमने फाइल बनाई और हमने उसको कंट्रोल प्लस एस से सेव कर दिया, पर ये तो हम कर रहे हैं आगे से, पीछे क्या काम होता है? फाइल एलोकेशन टेबल काम कर रही होती है, आपकी चीजों को वहीं पर ले जाके स्टोर करेगी। NTFS होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसका इस्तेमाल करने लग गए जब विंडो का नया वर्जन आना शुरू हो गया था, तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का इस्तेमाल होता था। और बताओ और कौन कौन से हो जाएंगे? अरे भाषाएं तो रह गई अपनी, भाषाओं को उठा के लाते हैं। चलो, कंप्यूटर लैंग्वेजेस से रिलेटेड कौन कौन सी फुल फॉर्म होती हैं? कंप्यूटर भाषाओं से रिलेटेड, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी, इसको कहीं से भूल सकते हैं आप? लिखो यहां पर फोर्टेन की फुल फॉर्म क्या होगी और कोबोल की फुल फॉर्म क्या होगी और बेसिक की फुल फॉर्म क्या होगी और लिस्प की फुल फॉर्म क्या होगी, प्रोलॉग की फुल फॉर्म क्या होगी, और कोई बोलता है वो स्नोबॉल की फुल फॉर्म क्या होगी? स्नोबॉल भी तो एक भाषा है। चलो करो इसको फटाफट से बताओ। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, बिल्कुल, टेलनेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कहा जाता है, कई जगह इसको टर्मिनल नेटवर्क भी कहा जाता है, डिपेंड होता है ऑप्शन में क्या दिया जाएगा। भाषाओं के बारे में बताओ फटाफट से, फिर और भी चीजों को यहां पर देखेंगे। हाँ, उन सारी चीजों को बताऊंगी मैं भाई, बिल्कुल फिक्र मत करो। करें, चलो आना स्टार्ट हो चुका है आंसर। फोर्टेन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्टेन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। पहली भाषा थी ये जो उच्च स्तरीय भाषा थी, इसको 1957 में जॉन बेकस नामक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, व्यापार के लिए इस्तेमाल की गई भाषा, जिसको जस्ट दो साल बाद मतलब 1959 में ग्रेस मूरे हुपर नाम के व्यक्ति के द्वारा बनाया गया। ग्रास हुपर, टिड्ढा, उससे याद करवाया था मैंने, अगर याद हो आपको तो ठीक है। आगे चलो, बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड।
सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका इस्तेमाल किया जाता है, नींव की भाषा इसको कहते हैं, मतलब ये भाषा सीखोगे फिर आगे चीजों को सीख सकते हो। इसको कैमिनी और कुड्स नाम के व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था 1962 के आसपास। लिस्प की फुल फॉर्म हो जाएगी लिस्ट प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भाषा है। प्रोलॉग की फुल फॉर्म हो जाएगी प्रोग्राम एल्गोरिथम, प्रोग्राम एल्गोरिथम, ये भी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमता पर आधारित भाषा है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पापा किसको कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बताना जरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पापा किसको कहा जाता है? आगे चलिए, फिर आती है आपकी स्नोबॉल। स्नोबॉल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक भाषा, स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज, इसी के अंदर लिख लो, वो भी HTML भी लिखो इसी के अंदर। HTML भी भाषा है बिल्कुल, वेब पेज डिजाइन करने की। देखो आज सच में टाइम का नहीं पता चल रहा, देख लो 50 मिनट हो गए। HTML हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं तो XML की आ जाती है। और बताओ कौन कौन सी भाषाएं हैं, ऊप के बारे में पूछ सकता है। और अच्छा, फीफो लीफो भी पूछ सकता है भाई। फीफो होता है, एक होता है आपका लीफो, एक होता है आपका FCFS। ये शेड्यूलिंग है सबसे अच्छी फाइल, जो हमारी, जो हमारा CPU होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो सबसे ज्यादातर फाइलों को FCFS में ही काम करता है। मतलब आप जो फाइल पहले भेजोगे पहले उसी फाइल को चलाएगा, तो FCFS में चीजों को ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, चलो इसकी फुल फॉर्म के बारे में बताओ जरा एक बार जल्दी से करें। चलो, HTML की फुल फॉर्म हो जाती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेब पेज को डिजाइन करने वाली भाषा। और इसी का एक्स्ट्रा वर्जन एक और बनाई गई भाषा, वो थी XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये भी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए बनाई जाती है। ओप की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फीफो की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। नहीं, भंडारे में होता है ऐसा, जो पहले जाएगा ज्यादा सामान उसी को मिलेगा। ठीक है मैम, नीचे वाली पट्टी मत लगाओ भाई, नीचे वाली पट्टी तो लगेगी। चलो मैं एक मिनट के लिए बस हटा देती हूँ, एक मिनट रुकना ना। हालांकि मैं थोड़ा सा ऊपर लिखने की कोशिश करूंगी, चलो। तो यहां पर देखो ये हो गया फीफो, हो गया जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है, ये सब पे लागू होता है, जब घर में कोई गुस्सा होता है ना तो उसमें भी लागू है। सपोज पापा बहुत गुस्सा है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, तो जो पापा के हत्थे चढ़ गया बस फिर तो क्या ही होना है, पहले आएगी जो फाइल वही पहले एग्जीक्यूट होती है। लीफो की फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो फाइल सबसे लास्ट में आती है वो सबसे पहले चली जाती है। ये काम होता है जब स्टैक की बात की जाती है, और फीफो का काम होता है जब लाइन में लगी होती है फाइल, क्यू में लगी होती है फाइल। FCFS की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ, ये CPU की शेड्यूलिंग है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और कौन कौन सी फुल फॉर्म हो जाएंगी आपकी? और बहुत सारी फुल फॉर्म आएंगे भैया। इंटरनेट हो गया, नेटवर्किंग हो गया, और कुछ चीजें छुप जा रहा है मैम उदय, बट कोई बात नहीं, मैं आगे से ऊपर ही लिख रही हूं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला ज्यादा मार खाता है? नहीं भाई, जब गुस्से में कोई इंसान होता है ना, जो पहले बार आ जाता है उसी पे सारी चीजें आजमा ली जाती हैं। चलो, अब आप लोग कह रहे थे मैम PDF के बारे में बता दो, तो देखो बहुत सारी चीजें भाई, PDF हो गई आपकी, JPEG हो गई आपकी फाइल ही होती है, PNG फाइल हो गई, GIF फाइल हो गई, BMP फाइल हो गई, इसको और देख लो, ये सारी इंपॉर्टेंट है जितनी भी मैं करवा रही हूँ आप लोगों को, है ना।
याद कर लेना, और गारंटी है अगर आपने क्लास डेली ली है ना तो इसमें से 80% तो आपको याद ही होंगी, कुछ याद करनी पड़ेगी बस। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। लगभग 100 के करीब हो गई होंगी हमारी। जेपीईजी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और पीएनजी की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। जीआईएफ की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। हिलती डुलती इमेज जो व्हाट्सएप पे हम लोग भेजते हैं, नहीं क्या था फॉर्मेट, ठीक है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। बीएमपी की फुल फॉर्म होती है बिट मैप पिक्चर। तो कुल मिलाकर ये रही आपकी सारी चीजें, क्लियर है। तो लगभग 20 पेज मैंने करवा दिए, एक पेज में 5 या 6 मान लो 120 के आसपास होगी, 100 से 120 के आसपास की फुल फॉर्म है। जो बच्चे बाद में आए हैं जरूर देख लीजिएगा क्योंकि सारी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपकी। और एक सरप्राइज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, हरियाणा वाली टीम का या जो भी बच्चे हरियाणा के आसपास है, भाई एक सरप्राइज आप लोगों का जरूर सुनो। सरप्राइजेज आप लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं, आप लोग ही साथ ना दो तो फिर कैसे होगा। हाँ चलो, तो देखो हरियाणा में आपसे मिलने के लिए हरियाणा की टीम आ रही है। हरियाणा में जितने टीचर्स आपको पढ़ाते हैं मोस्टली सारी टीचर्स ही आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो हम आ रहे हैं आपके राज्य आपके शहर हरियाणा में। पहली बार सीटी ऑफलाइन मॉक टेस्ट होने वाला है जिसमें जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको 3100 रुपए की राशि मिलेगी, जो सेकंड आएगा 2100 रुपए की राशि मिलेगी, जो थर्ड आएगा 1100 रुपए की राशि मिलेगी। लोकेशन हिसार रेड स्क्वायर मार्केट में ये पेपर आपका होगा जो हरियाणा की टीम लेगी, मतलब हम सभी टीचर्स लेंगे। आपका पेपर होगा 14 मई शनिवार को दोपहर 12:30 से 2 बजे के बीच में। तो जो बच्चे हिसार में वो तो आएंगे सभी, जो बच्चे हिसार के आसपास रहते हैं, भाई अगर आप गुड़गांवा में भी हो या और कहीं पर भी रहते हो और पास में है ये जगह तो आप डेफिनेटली आना। आप सभी को सादर आमंत्रित है, जितने हो सके स्टूडेंट्स आना, और हो सके तो मम्मी पापा को भी लेकर आ जाना, फ्रेंड्स को भी लेकर आ जाना, है ना। तो सैटरडे में इसलिए रखा गया है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जरूर जरूर आइएगा, हम तो आप सभी को न्योता दे रहे हैं। बिल्कुल फ्री एंट्री है, मतलब अच्छा खासा आपका एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है जी। चलो तो सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है ना तो लाइक कर दिया करो, इतनी कंजूसी नहीं करते हैं। चलो सेशन को करते हैं हम लोग यहीं पर अपना एंड। आशा है आपको क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो बिल्कुल भाई क्लास को लाइक कर दिया करो, जो भी नए बच्चे होते हैं सब्सक्राइब कर दिया कीजिए चैनल को, ठीक है। चलो तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक 1:00 PM मल्टीपल मिक्स क्वेश्चंस करवाती हूँ मैं कल से आपको, ठीक है। सेशन को करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए, अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।